सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज़ और आप देख रहे हैं टैग्स ए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि हम अगर इंस्टाग्राम से कोई भी पिक्चर या वीडियो कुछ भी अगर हम जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाना सवाल है और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल काम है। छोटी सी वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल कम्प्लीटली गाइड करूँगा। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब पर चैनल टैग्स सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि ये चीज़ जो है, ये काम कुछ लोगों को आता हो, कुछ लोगों को नहीं भी आता हो। तो जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता वो जो ये वीडियो देख के सीख लें। तो आप लोगों ने करना ये है कि प्ले स्टोर में जाना है अपने मोबाइल के। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है फास्ट सेफ। इस तरह से एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे फास्ट सेफ, तो इस तरह से आएगा फास्ट सेफ फॉर इंस्टाग्राम। तो आप लोगों ने जो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। छोटी सी एप्लीकेशन है ये, बहुत ही जल्दी जो है ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। तो आप लोगों ने जब इसको फर्स्ट टाइम आप लोग इसको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा, तो मैं इसलिए इसको जस्ट लिए ओपन कर लेता हूँ जस्ट। तो आप लोग जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, 2 से 3। तो आप लोगों ने जो है उस परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करेंगे तो आप लोगों के पास जो है फिर कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आप लोगों के पास शो हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरह से शो होगी। आप लोगों ने यहाँ पे फास्ट सर्विस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ जाएगा फास्ट सेफ सर्विस स्टार्टेड। तो अगर ये स्टार्ट है आपके पास सर्विस, तो आप लोगों ने इसको जो स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास ब्लैक है तो आप लोगों ने जो इस पर क्लिक करके ब्लू कर देना और अपनी सर्विस को स्टार्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जो इससे कोई भी चीज़ डाउनलोड किस तरह से करनी है इंस्टाग्राम की। आप लोगों ने आ जाना है अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में। मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये किस वक्त पे तस्वीर ओपन है मदीने की, तो मैं यहाँ पर जो इसको सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पे आप लोगों ने क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉपी लिंक। आपने जो है कॉपी लिंक के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कॉपी लिंक करेंगे तो ये फोटो जो है ऑटोमेटिक आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, चाहे कोई भी वीडियो हो या पिक्चर हो, कुछ भी हो, जस्ट आप लोगों ने उस फास्ट सेफ को जो अपने मोबाइल में ओपन करना है एक दफ़ा, और उसके बाद जो है यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। जैसे ही आप कॉपी लिंक करेंगे ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में तस्वीर जो है या वीडियो जो भी है सेव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ चुका डाउनलोड कम्प्लीटेड नाउ, तो मैं इस पर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने जो अभी तस्वीर डाउनलोड करी थी वो यहाँ पे जो है सेव हो चुकी है इस तरह से। तो ये जो तस्वीर हमने सेव करी है ये गैलरी में भी हमारे पास शो होगी, और फाइल मैनेजर या मैनेजर कार्ड फोन मेमोरी जो भी होती है आप लोगों के मतलब के वहाँ पर भी जो है आप लोगों के पास शो होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो जो है पसंद आई होगी और इस वीडियो में समझ आ गए हो कि आप लोगों ने जो है किस तरह से इंस्टाग्राम से कोई भी तस्वीर या वीडियो जो है डाउनलोड किस तरह से करनी है। तो अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।